हेलो फ्रेंड, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन फार्मर्स के लिए जो बायोफ्लो फिश फार्मिंग कर रहे हैं और जो बायोफ्लो फिश फार्मिंग करना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मछली का ग्रोथ दिखाने वाला हूँ, कॉमन कार्प मछली कितना ग्रोथ ले सकता है बायोफ्लो टैंक के अंदर में। तो दोस्तों, जो भी नए फार्मर्स हैं या जो भी नए यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक अपडेट्स, फिश फार्मिंग के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने पी वाई एफ्लो फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ जो कि फार्मिंग के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो मैं अभी आपको मछली निकाल के दिखाने वाला हूँ अपने बायोफ्लो टैंक से, उसमें कॉमन कार्प प्रजाति की मछली मैंने स्टॉक किया है। बेसिकली कॉमन कार्प प्रजाति एक विदेशी मछली है लेकिन फंक्शनैलिटी जो इसका है सेम IMC कैटेगरी की मछली और इंडियन मेजर कार्प के ऐसा होता है। ये भी कार्प प्रजाति की मछली है। दोस्तों आपको ग्रोथ भी दिखेगा, लगभग 7 महीने का कल्चर कर चुका हूँ मैं अपने बायोफ्लो टैंक में, इसका हार्वेस्टिंग होना बचा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो भी नए फार्मर्स फार्मिंग करना चाह रहे हैं या जो फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं आखिर उनको परेशानी क्यों आ रही है, फार्मिंग करने वाले जो भी फार्मर्स हैं उनको दिक्कत क्यों हो रहा है, मछली ग्रोथ ले क्यों नहीं पा रहा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका वाटर कैपेसिटी प्लस सीड का क्वालिटी और सीड स्टॉकिंग। सीड का क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सीड का क्वालिटी आपका बढ़िया नहीं होगा दोस्तों तो आपका मछली का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सेकंड चीज़ मैं बात करता हूँ आपके टैंक के हिसाब से आप 200 किलो मछली आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो 200 केजी मछली अगर आप 400 ग्राम 500 ग्राम के साइज में लेके जाएंगे तो बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि एक बार 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार सीड स्टॉक कर देते हैं और उनको लगता है कि 500 ग्राम में निकाल लेंगे सर 10 क्विंटल मछली निकल जाएगा, 5 क्विंटल निकल जाएगा। वैसा दोस्तों नहीं होता है। 4 डाय के टैंक से आप 200 केजी मछली बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अभी आपको दिख भी रहा होगा मेरा ग्रोथ लगभग 7 महीने का कल्चर है। अब सवाल आता है कि मेरे टैंक में इतना मछली ग्रोथ ले कैसे ले रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है कि मैं जो सीड स्टॉकिंग करता हूँ मुश्किल से 500 से 600 के बीच में मैं सीड स्टॉकिंग करता हूँ अपने बायोफ्लो टैंक के अंदर में। ज़्यादा सीड स्टॉक करके कोई फ़ायदा नहीं है। 600 मछली को खिलाने में जो मुझे खर्चा पड़ता है 9,000 से 9,500 के बीच में पड़ता है। दोस्तों फ्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉमन कार्प प्रजाति की मछली फ्लॉक यूज करता है जिससे कि आपका अमोनिया वगैरह कंट्रोल में रहता है, पानी का पैरामीटर ओके रहता है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि ठीक है मैंने कॉमन कार्प प्रजाति की मछली मैंने स्टॉक किया है तो कितना प्रॉफिट आ सकता है एक टैंक से 6-7 महीने के बाद आप कितना इनकम ले सकते हैं। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, मैं एक परफेक्ट कैलकुलेशन तो नहीं बता पाऊंगा बट एक सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, ये अगर आप 600 सीड स्टॉक कर रहे हैं 3 से 3.5 रुपये का सीड भी आप अगर परचेज कर रहे हैं तो लगभग 2,000 से 2,100 का सीड होगा, 9,500 का फीडिंग टोटल मिला के 12,000 कॉस्टिंग गिर रहा है। मैं 500 रुपये और पकड़ लेता हूँ कॉस्टिंग, 13,000 का कॉस्टिंग गिर रहा है। अगर आप 180 रुपये भी सेल करते हैं आप मछली को 200 किलो का मैं पकड़ रहा हूँ तो भी आप 36,000 के नियर बाई में आपका मछली सेल आउट होता है और उसमें से 13,000 माइनस कर देते तो भी आप 23,000 रुपये आप आराम से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है कि ठीक है 23,000 आपने जनरेट किया, ग्रोथ भी आपका मछली का परफेक्टली आ रहा है। अब हम लोग जो फीड यूज करते हैं तो फीड का क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीड का क्वालिटी अगर आपका सही नहीं होगा मछली का ग्रोथ सही तरीका से नहीं हो पाएगा। स्लज बहुत ही ज़्यादा बनेगा आपके बायोफ्लो टैंक में। तो स्लज मेंटेन करने के लिए और पानी के पैरामीटर मेंटेन करने के लिए हम लोग बैक्टीरिया क्रिएट बनाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बायोफ्लो टैंक के लिए। फीडिंग कैसा मैं देता हूँ उससे आप मछली के ग्रोथ और मछली का जो क्लियरिटी है, मछली का जो शाइनिंग है उससे आप समझ सकते हैं कि मछली कितना परफेक्टली ग्रोथ किया हुआ है। तो दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो भी नया फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं अगर उनको कोई परेशानी आ रही है तो मैं आप मेरे दिए नंबर पर कॉल कीजिए ना सर, कोई परेशानी नहीं है मुझे, आप संपर्क कीजिए। फार्मिंग करना चाह रहे हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ कि फार्मिंग मिल के कीजिए, मैं बताता हूँ आपको सर प्रॉफिट होगा ही होगा। मछली पालन के क्षेत्र में आज के समय में हमारा बिहार इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कारण है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता सर, सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं आप लोग। दोस्तों आज के समय में मछली पालन एक ऐसा जरिया जो साइड बाय साइड से आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे के जाता है। तो इस तरीके से मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको अगर मछली पालन के क्षेत्र में बढ़िया ग्रोथ चाहिए तो फीड का क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग देखना है आपको और बहुत हाई डेंसिटी में आपको मछली का बच्चा स्टॉक नहीं करना है बायोफ्लो टैंक के अंदर में। आपको ग्रोथ लेना है 500 ग्राम गिन के बच्चा डालिए और जो भी कॉमन कार्प प्रजाति की मछली कॉमन कार्प आप डालेंगे या पंगास डालेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका पानी का पैरामीटर बहुत अच्छा होना चाहिए और बच्चा 500 से 600 पीस में डालिए, ग्रोथ 100% आएगा ही आएगा। दोस्तों तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो
आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फार्मिंग करने में कोई दिक्कत होता है मुझे बिल्कुल फ़ोन कीजिए, कोई इशू नहीं है मुझे। तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप तक अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप तक मेरे अपडेट्स मिलता रहेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।